आज से 4 दिन पहले आज आपने ये बताया था कि इंटरव्यू के माध्यम से कि रघुनाथपुर चुनाव लड़ेंगे और आज क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर दिए हैं, आज हरियास पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे बताइए। देखिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि लोगों का स्नेह प्यार मिला और लोगों की आवाज़ पे कि हमने आज से दौरा शुरू कर दिया है और हर प्रखंड हर गांव गांव जाएंगे, लोगों से हर प्रखंड हर गांव गांव जाएंगे और लोगों से अपनी बात रखेंगे। जो एक मुखातिब बात होती है, बेरोजगारी से लेकर किसान की बातें, हर बात जो लोगों से जुड़ी हो, परेशानी से जुड़ी हो, वो बात रख के एक नया रघुनाथपुर बनाने की मुहिम में निकल चले हैं। आज कहाँ पहुँचे जी? यहाँ पे आज हम पश्चिमी हरियास पहुँचे हैं। आप लोगों को भी देख रहे हैं इस महामारी में कितने सपोर्ट में हैं और इन लोगों को दुआ लेते हुए हम आगे बढ़े। सारे लोगों ने मुझे सांत्वना दिया है। लोगों ने तो कह रहे हैं कि आप अगर पार्टी मिले या ना मिले, आप निर्दलीय है ये, फिर भी मैं उम्मीद करूँगा अपने पार्टी से कि हमें उम्मीद है कि वो हमें टिकट देंगी। माननीय राबड़ी देवी तेजस्वी यादव जी से कि वो टिकट हमें ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। हमें भी कुछ न कुछ संदेश मिले, मैंने बैरिया अधिकारी हैं जो यहाँ के जिला के, वो हमसे बोले हैं कि आप क्षेत्र भ्रमण करें, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। लगातार आज से आप क्षेत्र का दौरा करेंगे? आज से लगातार बिल्कुल करेंगे, क्षेत्र का दौरा करेंगे, हरदम जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, गांव में की समस्याओं को समझेंगे कि आने वाले दिन में कैसे इसको ठीक किया जाए। यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, इतना बड़ा स्टेडियम जो पूरे रघुनाथपुर में एक स्टेडियम जो है, बताइए जो ग्राउंड नहीं है जो बच्चों को खेलने के लिए, और स्पोर्ट्स हब बोला जाता है रघुनाथपुर को, स्पोर्ट्स हब सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, दो ही जगह है, बरड़िया विधानसभा और रघुनाथपुर विधानसभा, इस दोनों जगह में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स होता है। मैं आज और मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं ये नया पर नहीं घूम रहा हूँ। मैं जब 14-15 साल का था तब से मैं रघुनाथपुर में आता जाता हूँ, खेलता हूँ, आ रहा हूँ, तो लोगों से मैं जुड़ा हुआ। लोग ये बोल रहे हैं कि मैं नया आया हूँ, वो गलत फहमी में है। शहाबुद्दीन के बेहद करीबी नेता, उनका कहना है कि दूर दूर तक आप कहीं नहीं है रघुनाथपुर में। जी कौन नेता है? राजेश यादव जी हैं। ये कौन है? हम इन्हें नहीं जानते हैं और लोगों का बात सुनेंगे तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनका काम है, कहने दीजिए। हम लगे हैं, हम लोगों से लड़ने चले हैं या लोगों की परेशानियों से लड़ने चले हैं? पूरा बिहार जानता है। हमको लोगों से परेशानियों से लड़ना है। ये देश स्वतंत्र है, लोकतंत्र है और सबका बात रखने का हक है। वो जिसका बात अपना रखें, जिसको जो बोलना है बोलें, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है हमारी परेशानियों से, लड़ाई है इस परेशानियों को लेते हुए हम आगे जा रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है? बेहतरीन मिल रहा है, एकदम बेहतरीन, ज़बरदस्त। जहाँ जा रहे हैं, चाहे खराटी गाँव हो, फिर या हरियास हो, या फिर रघुनाथपुर के कोई भी गाँव हो, ये मेरा गारंटी है, यह मेरा दावा है कि मैं जहाँ जाऊँगा लोग मुझे पसंद करते हैं और उन लोगों को मालूम है कि मोहम्मद कैफ कैसा है, ईमानदार है या बेईमान है। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, इनको हम लोग जो है आज से 25 साल पहले से जानते हैं। इनकी पहचान अभी तक जो है क्रिकेट से थी और इन्होंने क्रिकेट के फील्ड में पूरे बिहार में जो है अपना नाम रोशन किया है। और रघुनाथपुर क्षेत्र हो या सिवान हो या बड़रिया हो, यहाँ के युवा जो है इनको दिल से मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी जो छवि है वो क्रिकेट से है। लेकिन अब जो है कि इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है और हम रघुनाथपुर के जो वासी हैं, हमें एक युवा नेता, एक कर्मठ नेता, एक एजुकेटेड नेता जो हमारे हर परेशानियों को जो है समझे, बूझे और उसका हल निकाले, उस तरह के हमें जो है एक कैंडिडेट की ज़रूरत है। जो हमें लगा कि हमारे जो कैफी भाई हैं, जो बंटी भाई हैं, हमारी इस परेशानियों को हल कर सकते हैं। इसलिए हम जितने भी रघुनाथपुर के क्षेत्र के निवासी हैं, खासतौर से प्रखंड जो है हुसैनगंज के प्रखंड के, हम लोग इनको हर तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके अंदर नेतृत्व की जो भी खूबी होनी चाहिए हम लोग इनके अंदर देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग की जो समस्याएँ हैं, इस हर समस्याएँ को ये बखूबी जो है निपटारा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग इनके साथ तन मन और धन से रहेंगे और हमारा जो हम लोगों का कोई पर्सनल इनसे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन इनकी जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व के आधार पे हम इन्हें जो है अपना नेता मान चुके हैं। और अगर इन्हें पार्टी टिकट दे या ना दे, हम जो है हम लोग इन्हें निर्दलीय से ही लड़ा के और इनको विजय घोषित करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम दिलशाद समी है, मैं सीमान इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले लेक्चर रह चुका हूँ, अभी हमारी कंपनी चलती है, अभी मैं घर आया हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और इनके लिए मैं पूरा समर्थन और हमारे गांव के सारे लोग समर्थन करेंगे दिलो जान से।